नमस्कार दोस्तों, HFCL के शेयर में देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में 8% की आपको क्लियर तेजी दिखाया और यहाँ पर देखेंगे स्टॉक में एक बुलिश कैंडल भी बनाया। पिछले कई दिनों से देखेंगे लगातार स्टॉक में गिरावट था, लेकिन आज आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या स्टॉक में तेजी आएगा, गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। दोस्तों, HFCL के शेयर में देखेंगे आज की जो मतलब अभी का जो करंट प्राइस आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे 141.40 रुपये के पास में दिखाया जा रहा है और अभी जो है आज आपको यहाँ पे 11 रुपये का आपको मूवमेंट बना है ऊपर के साइड में और स्टॉक क्लियरली आज की ट्रेडिंग सेशन में एक ऊपर एक अप ट्रेंड का मूवमेंट यहाँ पर दिखाया है। तो इसी तरह अगर हम इसके 6 महीने के डाटा को देखें तो 6 महीने में इसने जो है 45.77% की जो है रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को और यहाँ पर भी आपको धीरे 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 स्टॉक ऊपर का मूवमेंट ही बना रहे। तो अभी आप देखेंगे एक गिरावट आया था, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा एक मूवमेंट ऊपर के साइड में नजर आ रहा है। तो अगर इसके हम 1 ईयर के डाटा देखें तो आपको 95-96% का यहां पर जो है प्रॉफिट बनाकर दिया है एक साल के अंदर अंदर, राइट, जो कि अपन यहां पर भी देखेंगे जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था उनको एक अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया, मतलब कि अपना इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल 100% की इसने रिटर्न बनाकर दे दिया, राइट, मतलब आप मान सकते हो 96% है। तो एक साल के अंदर अंदर काफी अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है। तो इसी तरीके से अगर हम 5 साल के डाटा को देखें तो 729% की इसने रिटर्न बना के दिया जिन लोगों ने भी यहाँ पर एंट्री लिया था 5 साल पहले, अभी उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 750 गुना ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, राइट, जो कि बिल्कुल एक पॉजिटिव मोमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, इसके अगर थोड़ा सा और हम डीप में समझेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर HFCL की जो अभी मार्केट कैप आपको दिखा दे रहा है 20,314 करोड़ की है और इसकी जो 52 की हाई है और 52 का लो देखें तो 171 पर है लो और इसकी स्टॉक पी आप देखेंगे तो 54.6 में नज़र आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे पीयर कंपनी की तो आप देखेंगे HFCL आपको यहाँ पर 54.65 पर नज़र आ रहा है, इसकी पीयर कंपनी भी कोई नज़र नहीं आ रहे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स में जो है थोड़ा सा प्रीवियस क्वार्टर से डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट, यहाँ पर धीरे धीरे जो है स्टॉक में इंक्रीज हो रहा था लेकिन अब जो है यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा इंक्रीज, इतना ज़्यादा भी डिक्रीज नहीं है लेकिन फिर भी है। और यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंस भी आपको यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 175 दिखाया जा रहा है जो कि प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 119 नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट आपको 111, राइट, मतलब कि आप यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट में आपको क्लियरली इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 109 का था प्रीवियस क्वार्टर में और हर क्वार्टर में आपके थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, इसी क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर में आपको 111 का नज़र आ रहा है जो कि एक पॉजिटिव व्यू क्रिएट कर रहा है। अब हम थोड़ा सा और भी डीप में समझेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर। अब दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि स्टॉक अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक ट्रेल लाइन भी चल रहा है, अगर हम टेक्निकली देखें तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है और अभी के लिए जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आपको नजर आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 170.60 रुपये के पास में। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पर अपना एक सपोर्ट लेवल पर आके यहाँ पर एक बाउंस किया है ऊपर के साइड में, पॉजिटिव कैंडल दिखा रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये इस तरीके से कंटिन्यू किया तो फिर हमारे सामने 170 का टारगेट रहेगा, बाकी 170 को ब्रेकआउट करने के बाद भी और भी तेजी का मोमेंट बन सकता है। इसके ऊपर का क्या क्या टारगेट रहेगा उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टारगेट आपके सामने रहेगा 196 का रहेगा आपके सामने पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 238.50 रुपये के पास में और दिन रहेगा 280 रुपये और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 306 रुपये में। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया है, इस वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।